भाई बात करेंगे दृश्यम टू मूवी की। दृश्यम टू मूवी जो है वो दृश्यम मूवी की सीक्वल है, और आपने तो दृश्यम देखे होंगे कि किस तरह की एक मूवी थी। देखिए दृश्यम मूवी भी एक रीमेक थी, जो कि बाद में पता चली उसकी जो ओरिजिनल मूवी थी मोहनलाल सर की वो बाद में आई। ठीक है, वो बाद में आई, पहले हम रीमेक मूवी जो अजय सर की दृश्यम थी वो हम देख चुके थे, वो हिट हो चुका था, और उसके बाद हिंदी में वो मोहनलाल सर की ओरिजिनल मूवी जो है वो आई, जो कि दृश्यम के लिए एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। और वो वाली प्लस पॉइंट यहाँ पे भी दृश्यम 2 उठा लेती है, क्योंकि अभी तक दृश्यम 2 की जो ओरिजिनल दृश्यम 2 है मोहनलाल सर की, अभी तक उसकी हिंदी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। और इसी की ही वजह थी, शायद ये वजह थी जो आज थिएटर में खचाखच ऑडियंस भरे हुए थे। और अगर बात करें उसकी ये मूवी के बारे में ना, तो भाई मूवी पहले तो एक रियल फील होती है, क्योंकि जो 2015 में दृश्यम मूवी आई थी और उसके बाद 7 साल बाद दृश्यम 2 आया है, तो 7 साल वाला जो गैप है ना, वो उसको पूरा अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है उसमें। ऊपर से मतलब किरदारों की इंक्रीज, किरदारों के जो गेटअप होना चाहिए 7 साल के अंदर, वो खास करके अजय सर की वो छोटी बच्ची, वो अभी बड़ी हो चुकी है, ये सब कुछ देख के एक रियल फील होता है कि 7 साल बीत गया है ये केस को और अभी रीओपन हो रहा है, जो कि मूवी में बयां करती है। और अगर स्टोरी की बात करें तो दृश्यम मूवी में पहले वो वारदात हो जाती है, और उसके बाद कड़ी बाय कड़ी ऐसे जुड़ने लगती है। ठीक है, एक एक कड़ी करके जुड़ने लगती है, सारे ख़तरनाक चीज़ जुड़ने लगती है, और अजय सर की जो कैरेक्टर होती है उसमें, जो विजय सलगांवकर, उसका जो ख़तरनाक प्लानिंग होती है, जो भी सिचुएशन होती है, वो पाव भाजी वाला ले लो या फिर वो सत्संग वाला ले लो, ये सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगती है, और मूवी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है आगे आगे आगे। लेकिन दृश्यम 2 में क्या होता है, दृश्यम 2 में सारा का सारा चीज़ भरा पड़ा है क्लाइमैक्स में। पहले कुछ भी आपको नहीं पता चलता है कि क्या होने वाला है, आपको बस ये मतलब इतना सोच, मतलब आपके समझ में इतना आता रहता है कि पुलिस 2 कदम आगे है हमेशा से, और अभी विजय सलगांवकर को वो पकड़ लेगा ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लाइमैक्स में जो कंक्लूजन दिखाई जाती है ना मेरे भाई, जो सस्पेंस दिखाई जाती है, बाप रे, दिमाग पूरा हिला के रख देता है। जो प्लानिंग होती है, ओ माई गॉड, कमाल लगता है यार, वो दृश्यम को पार कर जाती है। सच में वो दृश्यम की वो ख़तरनाक सीन को पार कर जाती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्लाइमैक्स इतना ज़बरदस्त है, दिमाग को हिला कर रख देता है भाई, दिमाग को हिला कर रख देता है। मान गया भाई, ऐसी क्लाइमैक्स, ऐसी रिमेक, ओ माई गॉड, ख़तरनाक। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बाकी सारे का तो जैसा ही हम देखा ट्रेलर में वैसा ही है, लेकिन अजय सर अपने कैरेक्टर को घुल के पी गए हैं जैसे, यार ओह माय गॉड, व्हाट ए परफॉर्मेंस यार, व्हाट ए परफॉर्मेंस। उसको देख के ही मतलब ये इंसान इतना इमोशनल लगता है, चालाक लगता है, क्या नहीं लगता, मतलब फेस में, उनकी नज़र में वो सारी चीज़ें साफ झलकती है। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक परफॉर्मेंस है, बहुत ही मज़ा आ गया। ओवरऑल ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ये मूवी लंबी चलने वाली है यार। मूवी की क्रेज़ देख करके, मूवी को लोग जिस तरह के मतलब पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से ऑडियंस आज आए थे थिएटर में, और जिस तरह से मतलब क्लाइमैक्स को एंजॉय कर रहे थे, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस लेके मैं बोल रहा हूँ ये मूवी लंबी चलने वाली है। और ये 2022 की सबसे ख़तरनाक रीमेक होगी यार, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल है लोग अभी तक देखे नहीं है, और मूवी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये मूवी 2022 की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रीमेक होगी, और सबसे ज़्यादा अच्छी रीमेक होगी, जो कि लंबा चलने वाली है, क्योंकि मूवी भी वैसी ही है यार, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।